कलेक्टर महोदय, जिला गुना के निर्देशन में और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार ऋषिश्वर के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय परिसर के DIC केंद्र में निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अपोलो हॉस्पिटल इंदौर और जेके हॉस्पिटल एंड एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल से आए हुए हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा लगभग 60 बच्चों की इको जांच की गई, जिसमें 40 बच्चे हृदय रोग से ग्रसित पाए गए। शिविर में जिले की RBS के टीम के आयुष मेडिकल को ऑफिसर द्वारा रिपीट शिविर में जिले के RBS के टीम के आयुष मेडिकल ऑफिसरों द्वारा जिले के सभी क्षेत्र से चिन्हित बच्चों को RBS के वाहन से लाया गया। शीघ्र ही सभी बच्चों का उपचार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क कराया जाएगा। बालाजी की आंखों पर गंदगी पोती हंगामा। गुना में मृगवास थाने में धरना दिया, कस्बा बंद कराया, झंडा निकालने के बाद हुई हरकत। गुना जिले के मृगवास में मंगलवार रात तनाव की हालत बन गई, जहां प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में बालाजी की आंखों पर किसी ने गंदगी लगा दी। जैसे ही सूचना श्रद्धालु को लगी तो उन्होंने बाजार बंद करा दिया, चौराहे पर जाम कर दिया। देर रात प्रदर्शन चलता रहा, घटना के विरोध में आज भी बाजार बंद है। ग्रामीण चौराहे पर धरने पर बैठे हुए हैं। मृगवास थाना प्रभारी बुंदेल सिंह सुनेरिया ने बताया कि मामले में FIR दर्ज कर ली गई है, कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, हालांकि अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। पुलिस की टीमें लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। कीर्तन करते समय आंखों पर पड़ी नजर। जानकारी के अनुसार हर मंगलवार को मृगवास में बालाजी का झंडा निकलता है, जो छतरी वाले बालाजी मंदिर से शुरू होकर नगर के प्रमुख चौराहों से होते हुए यहीं पहुंचता है। मंगलवार को भी यहां से झंडा निकाला गया। रात में करीब 7:30 बजे पुजारी यहाँ कीर्तन कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने देखा कि बालाजी की आंखों पर कुछ लगा हुआ है। पास जाकर देखा तो ये गंदगी लगी हुई थी, पॉलिथीन में भरकर लाए थे गंदगी। मंदिर परिसर में एक पॉलिथीन मिली है, ये माना जा रहा है कि इसी में भरकर गंदगी लाए हुए थे। पिछले 15 दिनों में मृगवास के मंदिरों में ये तीसरी घटना है। 3 नवंबर को शिव मंदिर से अज्ञात बदमाश शिवलिंग तोड़कर चले गए थे। शनिवार को शासकीय स्कूल के पास तेदाजी महाराज ग्राउंड में स्थित शिवालय पर भी गंदगी भरकर रख दी थी। लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था। पुलिस ने मंदिर के पट बंद कर मूर्ति को साफ कराया, तब लोगों और हिंदू संगठनों तक इसकी जानकारी पहुंची और आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए थे। कस्बे के मुख्य चौराहे पर जाम कर दिया था, साथ ही कस्बे में एंट्री करने वाली सड़कों को भी ठेला लगाकर आवागमन रोक दिया गया था। पास में ही चल रहे रामलीला मंचन को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। लोगों ने तहसीलदार की गाड़ी रोकी, सूचना मिलते ही कुंभराज तहसीलदार अमिता सिंह भी मौके पर पहुंची। नागरिकों ने उनकी गाड़ी भी कस्बे के बाहर रोक दी थी, इसके बाद उन्हें पैदल ही थाने तक जाना पड़ा था। इस घटना में ये भी सवाल उठ रहा है कि मंगलवार होने पर हनुमान मंदिर में 7 से 7:30 बजे के बीच असामाजिक तत्व ऐसी घटना कर कर गए हैं, उन्हें कोई देख नहीं पाया। हिंदू धर्म के लिए बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और हमारे बालाजी सरकार का जो मंदिर था बहुत प्राचीन हजारों वर्ष पुराना मंदिर था और ये पिछले 10 दिनों के भीतर तीसरी घटना हुई है, क्योंकि इससे पहले शिव जी के मंदिर पर जो शिवलिंग उखाड़ कर ले गए वो भी एक बहुत शर्मनाक घटना है और उसके बावजूद ये तीसरी घटना हुई है। तो पूरा हिंदू बिल्कुल आक्रोश में है और पूरा मृगवास बंद कर दिया गया है और जब तक बंद रहेगा, जब तक इस तीनों घटनाओं का खुलासा ना हो, जिसने भी ये घटना की है वो जब तक पकड़ा ना जाए तब तक पूरा मार्केट बंद रहेगा। दुख का विषय है कि देवोटनी ग्यारस के महापर्व पर इस प्रकार का कृत्य हुआ है कि जिससे कि सारे हिंदू समाज में आक्रोश है। और आज हनुमान जी के मंदिर पर जहाँ से प्राचीन कई पीढ़ियों से झंडा उठाया जाता है, वहाँ पर हनुमान जी के मुख से गंदगी लगाने का कार्य किया गया है। यहाँ इस कार्य से पूरा हिंदू समाज दुखी है। इस महाग्यारस के महापर्व पर किसी ने दीप तक नहीं जलाए, ना देव उठाए और कोई भी त्यौहार किसी भी रूप से ना मनाने का संकल्प ले लिया हिंदू समाज ने, जब तक कि इस घटना का खुलासा ना हो जाए। इससे पहले भी हमारे शंकर भगवान के मंदिर में शिवलिंग को तोड़ के ले गए हैं, इसमें भी पुलिस प्रशासन सब नाकाम याब रहे हैं, इसका भी अभी तक पता नहीं लगा पाए। और
दिन ब दिन हमारे मंदिर में गंदगी देखी जा रही है, हनुमान जी के मुख से गंदगी लगाई जा रही है, कई शिवलिंग तोड़े जा रहे हैं, अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, और अगर ये अपराधी नहीं पकड़ा है तो हम अनिश्चितकालीन तक पूरा हिंदू समाज धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। आप सब लोग ये बताओ कि पुलिस हाथ जोड़कर इस अपराधी को जल्दी से जल्दी ढूंढकर निकाले, वरना कुछ भी हो सकता है। मकसूदनगढ़ में सब्जी बाजार के लिए जगह नहीं होने के कारण नगरवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आलम यह है कि सब्जियों और फलों के ठेलों के कारण काफी जाम भी लग जाया करता था और काफी लंबे समय से मकसूदनगढ़ के सब्जी विक्रेता शासन प्रशासन के अधिकारियों से जगह की मांग कर रहे थे, पर अधिकारी राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कार्रवाई करने से बचते नजर आ रहे थे और कार्रवाई के नाम पर बस खानापूर्ति ही कर रहे थे। पर मकसूदनगढ़ के इतिहास में पहली बार दबंग तहसीलदार धीरेन्द्र गुप्ता जैसे अधिकारी न सिर्फ कार्रवाई की बल्कि बड़ी कार्रवाई करते हुए सब्जी विक्रेताओं के लिए फल विक्रेताओं के लिए जमीन अतिक्रमणकारियों से मुक्त कर ली। अब इस जमीन पर सब्जी फल विक्रेता अपनी दुकानें लगा सकेंगे। ये जगह मकसूदनगढ़ के भोपाल रोड हाई स्कूल के पीछे चिन्हित की गई है। यहाँ पर सब सब्जी बाजारों की दुकानों को लगाया जाएगा। इस सब्जी बाजार में जाने के लिए नागरिकों को 3 पक्के रास्ते हैं। आप भोपाल रोड हाई स्कूल के पास से भी जा सकते हैं और सुठालिया भोपाल बाईपास रास्ते से भी इस सब्जी बाजार में जा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप सुठालिया रोड पर से भी इस सब्जी बाजार में जा सकते हैं। इन तीनों रास्तों पर जाने से बड़े वाहनों को कोई परेशानी नहीं होगी। उधर तहसीलदार द्वारा सराहनीय कार्य को लेकर नगरवासियों द्वारा तहसीलदार धीरेन्द्र गुप्ता जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया गया है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी अधिकारी ने बड़े पैमाने पर इस तरह मकसूदनगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया है। नहीं तो मकसूदनगढ़ के राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कोई भी अधिकारी मकसूदनगढ़ की समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि राजनीतिक नेता अपनी रोटियां इन समस्याओं पर सेकते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। तहसीलदार धीरेन्द्र गुप्ता जैसे दबंग अधिकारी अगर पहले मकसूदनगढ़ में आ गए होते तो इस समस्याओं का समाधान बहुत पहले हो चुका होता। ये क्या है कि नगर परिषद को सब्जी मंडी के लिए प्रस्तावित की गई थी और ये आवंटन भी उसमें चल रही है, और चूंकि अभी बाजार में जो अस्थायी अतिक्रमण सब्जी ठेले वाले और लोगों ने जो लगा रखा है, क्योंकि उनको विस्थापित भी करना, उनको उनकी अपनी जीविका चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, क्योंकि ऐसे में ही हमारा नगर परिषद ने जो सब्जी मंडी प्रस्तावित की है इसी को हम समतल करके और इस पर चूंकि अस्थायी रूप से बना के वो बने थे झोपड़ियाँ जो कि जिसमें रह नहीं रहे थे, पुराने जीर्ण शीर्ण थे, और उनको आज हटवा दिया है, और इसके संबंध में हमने प्रकरण भी दर्ज किया था, इनको नोटिस भी दिया था, नोटिस देने के बाद बेदखली आदेश भी किया, उसको भी उनको हमने शामिल कराया है, मगर इनको 24 घंटे का समय भी दिया था, 24 घंटे के बाद हमने 4-5 दिन और लेट किया है उनके उसके इंतजार करते हुए कि अपना सामान स्वयं हटा लें, नहीं हटाया, तो आज उनको खाली देखा और रिक्त था और उसको आज हटवा दिया। 1151 दीपक जलाकर मनाया गया खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन। खाटू श्याम बाबा को 56 भोग लगाकर की आरती। राघुगढ़ तहसील के ग्राम सार सहेला में हनुमान जी मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। 1151 दीपक जलाकर खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया। खाटू श्याम बाबा का दरबार सजाया गया, साथ में जोत जलाई गई। खाटू श्याम बाबा को 56 भोग का प्रसाद लगाया गया और आरती की गई। आरती में बड़ी संख्या में श्याम भक्त शामिल हुए। हारे का हारा बाबा श्याम हमारा के भक्तों ने नारे लगाए और दीपों से जगमग मंदिर भी हुआ। प्रसाद वितरण के बाद खाटू श्याम बाबा का जागरण किया गया। शहर के दो युवाओं की आज सुबह गुना से बनारस तक की साइकिल यात्रा पर रवाना होने के समाचार है। ये दोनों यात्री देव दीपावली के अवसर पर बनारस पहुंचकर काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय श्रीराम कॉलोनी के रहने वाले उदयवीर सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह परिहार और बलवंत नगर के रहने वाले ललित पुत्र राजू झा को आज सुबह स्थानीय जयस्तंभ चौराहे स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से परिजनों और अन्य शुभचिंतकों ने माल्य अर्पण कर शुभकामना देते हुए विदाई दी। उक्त दोनों युवा दो दिन में कुल 753 किलोमीटर साइकिलिंग कर बनारस पहुंचेंगे, जहां वे देव दीपावली के अवसर पर काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। उनके द्वारा ये यात्रा पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ रहने और साइकिलिंग में नया कीर्तिमान स्थापित कर अन्य युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के निर्देशों के परिपालन में महिला पतंजलि योग समिति मध्य प्रदेश पश्चिम द्वारा योग के लिए महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, ताकि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन और सुसंस्कारित परिवार और समाज के निर्माण में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर सके। इस क्रम में जिला समिति गुना द्वारा नवीन योग कक्षाएं प्रारंभ की जा रही है। न्यू सिटी कॉलोनी पार्क में नए योग कक्षा का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता जी के द्वारा किया गया। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि योग कक्षा के विस्तार के लिए पूर्ण सहयोग करेंगे। योग कक्षा महिला पतंजलि राज्य प्रभारी सुधा त्रिवेदी और जिला प्रभारी सीमा शर्मा, योग शिक्षक रिंकू जी के सहयोग से प्रारंभ की गई है। योग कक्षा में कृष्णा रघुवंशी, हेमलता शर्मा, जानकी बाई, भारती कपूरी बाई अनेक महिलाएं उपस्थित रही। सभी न्यू सिटी कॉलोनी वासियों से आग्रह है कि योग कक्षा में उपस्थित रहकर स्वयं स्वस्थ रहे और परिवार को स्वस्थ बनाए और समाज को योग के लिए प्रेरित करें। तो यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया, मेरे तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग के द्वारा मैं आज इस स्तर पर पहुंची हूँ, और आगे भी आप लोग का पूरा सहयोग रहेगा। आपको कभी भी मेरी कभी भी किसी भी जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा आप लोगों के साथ में रहूँगी। बस मैं योग की क्लास में नहीं आ पाती, इस बात का मेरे को बहुत दुख है, पर शुरुआत करवा के जाती हूँ। लेकिन आप लोग इसी तरह हमेशा आती रहना, ये नहीं कि आज क्लास चालू हो गई कल से सब लोग, मतलब हाँ थोड़ा सा टाइम जरूर निकालिए, क्योंकि मैं इसीलिए आप लोगों को बोलती हूँ, क्या होता है कि अगर आप लोग थोड़ा योगा करेंगी तो आप लोग के हाथ से स्वस्थ रहेंगी। मेरा ये नहीं है कि मैं यहाँ नहीं आ रही योग क्लास, मैं घर में थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, ये मेरे को थोड़ी सी टाइम की हो जाती, नहीं तो मेरे को तो योग का बहुत शौक है। पहले मैं जाती थी रोज, लेकिन अब नहीं आ पाती, मेरे को खुद दुख होता है। और आज सभी आप लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। योग की शहर के दो युवाओं की आज सुबह गुना से बनारस तक की साइकिल यात्रा पर रवाना होने के समाचार है। ये दोनों यात्री देव दीपावली के अवसर पर बनारस पहुंचकर काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय श्रीराम कॉलोनी के रहने वाले उदयवीर सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह परिहार और बलवंत नगर के रहने वाले ललित पुत्र राजू झा को आज सुबह स्थानीय जयस्तंभ चौराहे स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से परिजनों और अन्य शुभ चिंतकों ने माल्य अर्पण कर शुभकामना देते हुए विदाई दी। उक्त दोनों युवा दो दिन में कुल 753 किलोमीटर साइकिलिंग कर बनारस पहुंचेंगे, जहां वे देव दीपावली के अवसर पर काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। उनके द्वारा ये यात्रा पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ रहने और साइकिलिंग में नया कीर्तिमान स्थापित कर अन्य युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। शहरी और जिले के विकास से संबंधित बैठक का किया गया आयोजन। कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज जिला कलेक्टर के सभाकक्ष में शहरी और जिले के विकास से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान विधायक पन्नालाल शाह के नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार सहित संबंधित जिला अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक के दौरान कलेक्टर द्वारा सीएम राइज स्कूल म्याना, क्रांतिवीर टाटा टोपे विश्वविद्यालय गुना स्थापना कार्य की प्रगति, जिला चिकित्सालय गुना के निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा, मेडिकल कॉलेज के लिए चिन्हित भूमि, प्रधानमंत्री जनमन योजना, मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुना शहर, मुख्य मार्ग थीम रोड और रिंग रोड, अमृत सीवर योजना, जिले के तालाबों का चिन्हांकन और उनका सफाईकरण, गहरीकरण, सौंदर्यकरण आदि विषयों पर पीपीटी के माध्यम से आवश्यक जानकारियों से बैठक में उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सिंह द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी निर्माण कार्य समय सीमा में पूरे किए जाए, प्रस्तावित कार्यों की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए, जिला चिकित्सालय गुना में स्टाफ की कमी को पूरा करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाए, जिला चिकित्सालय गुना में निर्माणाधीन भवनों का कार्य समय सीमा में पूरा किया जाए। बैठक में कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जहां लाइन डालने के लिए सड़कें खोदी गई हैं, उन सड़कों का रिस्टोरेशन कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ किया जाए, सभी लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करके शहर के विकास में सहयोग भी करें। बैठक में विभिन्न जनप्रतिनिधि और डॉक्टर सत्येंद्र सिंह कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा, अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, अनुविभागीय अधिकारी गुना शिवानी पांडे, महाप्रबंधक उद्योग प्रकाश इंदौरे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव, प्रबंधक डीटीआईसी आरके जैन, ईई एमपीईबी राजेंद्र सिंह, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग मुकुल भटनागर सहित संबंधित जिलाधिकारी उपस्थित। म्याना थाने में पुलिस ने लगाया कैंप, सीएम हेल्पलाइन के शिकायतकर्ताओं को बुलाकर सुनी समस्याएं।
गुना एसपी के निर्देश के बाद अब थानों में सीएम हेल्पलाइन की लंबी शिकायतों के निराकरण के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। म्याना थाने में बुधवार को शिकायत निराकरण कैंप लगाया गया। इसमें एसडीओपी ने सीएम हेल्पलाइन की पेंडिंग शिकायतों का निराकरण किया। बता दें कि सोमवार को पुलिस अधीक्षक संजय कुमार सिन्हा द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम स्थित सभागार में जिले में सीएम हेल्पलाइन और समाधान ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त लंबित शिकायतों की थानावार समीक्षा की गई थी। जिले में सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से आम जन की प्राप्त लंबित शिकायतों समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर संतुष्टि पूर्वक निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाकर इन्हें हल करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके साथ ही एनडीपीएस एक्ट में अपराधों में जब्त किए गए मादक पदार्थों को विधिवत नष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही थानों पर लंबित गंभीर अपराध और लंबित चालानों पर भी चर्चा कर उनका जल्द से जल्द निराकरण के लिए निर्देशित किया गया। इसी क्रम में बुधवार को म्याना थाने में कैंप लगाया गया। कैंप में सीएम हेल्पलाइन के शिकायतकर्ताओं को बुलाया गया। मौके पर एसडीओपी विवेक अस्थाना ने इन शिकायतों को सुना, साथ ही शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए। कलेक्टर द्वारा जिला उपार्जन समिति की अनुशंसा पर सोयाबीन खरीदी के लिए निर्धारित किए गए 3 उपार्जन केंद्र, जिला उपार्जन समिति गुना द्वारा सोयाबीन उपार्जन के लिए खरीदी केंद्र और गोदाम स्थापित किए गए थे, लेकिन कृषि उपज मंडी बीनागंज में पर्याप्त जगह और परिवहन की व्यवस्था नहीं होने और देवांशी वेयर हाउस गावरी में सेवा सहकारी समिति आवन के प्रबंधन को दूरी अधिक होने और श्रीनाथ वेयर हाउस द्वारा उपार्जन स्थल पर खरीदी करने से मना कर दिए जाने के कारण उपार्जन समिति और गोदाम का चयन जिला उपार्जन समिति द्वारा किया गया। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार तहसील राघोगढ़ के लिए सेवा सहकारी समिति आवन के लिए मरातका वेयर हाउस आवन, तहसील चारचूड़ा के लिए सेवा सहकारी समिति पैंची के लिए एसडब्ल्यूसी वेयर हाउस और तहसील आरोन के लिए सेवा सहकारी समिति सालय के लिए गोपाल वेयर हाउस शालय निर्धारित किया गया। पीजी कॉलेज के छात्रों को नहीं मिली छात्रवृत्ति और आवास की राशि, छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के बैनर तले कलेक्टर को दिया ज्ञापन। गुना शहर में 13 नवंबर को दोपहर 12 से 1 बजे के लगभग छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के बैनर तले पीजी कॉलेज के छात्रों ने रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। गुना कलेक्ट्रेट कार्यालय में छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के सदस्यों ने बताया, लंबे समय से वर्ष 2023-24 सत्र की पीजी कॉलेज के छात्र जो पात्र हैं उनको छात्रवृत्ति एवं आवास योजना की राशि अभी तक नहीं मिली है, जबकि कई बार इस संबंध में कॉलेज और जिला प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं। क्यों नहीं मिली है इसका भी अभी कोई पता नहीं है। छात्रों में नाराजगी है। 13 नवंबर को एक बार फिर छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के बैनर तले पीजी कॉलेज के पात्र छात्र जो कि छात्रवृत्ति एवं आवास योजना की राशि के पात्र हैं, उन्होंने ज्ञापन देकर जल्द से जल्द राशि दिलाए जाने की मांग की है। आज जो आप ज्ञापन लेके आए हैं किस संदर्भ में लेके आए हैं? आज हम लोगों ने जिला कलेक्टर महोदय को पीजी कॉलेज के छात्र सभी लोगों ने मिलकर के ज्ञापन दिया है। अभी हम लोग सरकारी वादे जितने बरसात के रूप में देख रहे हैं उसके विपरीत ही काम शिक्षा व्यवस्था में चल रहा है। पीजी कॉलेज के विद्यार्थी और पूरे मध्य प्रदेश भर के छात्र बीते एक साल से आंदोलन इस बात के लिए कर रहे हैं कि उनकी छात्रवृत्ति और आवास योजना की जो राशि है उसका भुगतान कीजिए सरकार। इस बात को लेकर के लगातार हम लोग आ रहे हैं। ये कोई पहली दफ़ा इस कलेक्ट्रेट में हमारा कोई ज्ञापन नहीं है, लेकिन यहाँ से कोई ठोस आश्वासन मिल नहीं रहा है। सरकार एक तरफ वादे कर रही है कि हम लोग छात्रों के लिए बहुत सुविधाएँ व्यवस्थाएँ कर रहे हैं, एक तरफ कर रहे हैं कि हम लोग स्कूलों में बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं, बच्चे जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं कॉलेज में जा रहे हैं उनको जो इतनी घोषणाएं हो रही हैं उसके अनुरूप 5% 10% भी सुविधाएं मिल नहीं रही हैं। अभी पीजी कॉलेज के अंदर में जो हॉस्टल्स हैं वो जर्जर हालत में है। सत्र 2013-14 के अंदर में एक हॉस्टल था बॉयज हॉस्टल, उसको मरम्मत के नाम पर बंद किया गया था। वो हॉस्टल अभी तक शुरू नहीं हो पाया, 15 दिन में शुरू होना था। तो ऐसी कैसी मरम्मत सरकार कर रही है? क्या उस जमीन को किसी व्यापारी को बेच देना चाहती है? क्या किसी बड़े बिल्डर को वहां पर कोई मॉल बनाने के लिए कोशिश करना चाहती है? इसके पीछे की जो मंशा है इस शहर की पूरी जनता समझ रही है। तो सरकार जनता को मूर्ख समझना बंद करे, वहां पर बच्चों की जगह है, छात्रों की जगह है, वहां पर हॉस्टल शुरू किया जाए। गर्ल्स हॉस्टल की भी यही हालत है, वहां पर एक भी बार गर्ल्स के रहने की कोई व्यवस्था की नहीं गई है, हॉस्टल धूल खा रहा है। तो हम लोग इस विषय को लेकर भी आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे, अविलंब इनको शुरू किया जाना चाहिए। एक और विषय हम लोगों ने सुना है, बहुत ही दुखद है कि म्याना के अंदर एक 13 साल की बच्ची के साथ में जिस ढंग से दरिंदगी हुई है और उसको माने जंगल में छोड़कर भाग गए वो दरिंदे लोग, तो इसको लेकर के छात्र संगठन AIDSO अपनी पुरजोर माने भर्त्सना करता है और पुरजोर तरीके से इस कृत्य के खिलाफ
अपना विरोध दर्ज करवाता है, क्योंकि जिस ढंग से पूरे देश भर का माहौल है, सरकार अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक कदम आगे बढ़ के शिक्षा की ताबूत में आखिरी खील ठोकते हुए क्या किया है, वो बोल रहा है 15 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल रखेंगे और गांव-गांव के जो स्कूल हैं वो उन सबको बंद कर देंगे, यानी 94,000 अभी जो स्कूल हैं वो अस्तित्व में नहीं रहेंगे, बंद हो जाएंगे। गरीब आदमी के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे एक तरफ, दूसरी तरफ शराब नशा टीवी मीडिया से अश्लीलता, 900 से ज़्यादा पूरे देश भर के अंदर पोर्न वेबसाइट चल रही हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। आप शराब पर रोक लगाते, ड्रग्स पर रोक लगाते, इस पर कोई रोक नहीं है। आप स्कूलों को बंद कर रहे हो, मतलब आपकी मानसिकता क्या है कि गरीब का बच्चा अनपढ़ रहे, इनके बच्चे लंदन जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे अलग अलग शहरों में पढ़ लेंगे, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा। तो इस सवाल को छात्र संगठन AIDSO जमीन से उठा रहा है और हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं सरकार की इस मानसिकता का कि वो दोषियों को सजा देने की बजाय माने स्टंटबाजी कर रही है इस विषय पर। तो इन सारे विषयों को लेकर हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। अभी एक और हमारे साथी यहाँ पर कह रहे थे कि मंत्री जी हर भाषण में घोषणा कर रहे हैं कि हम बच्चों को, स्कूल वाली बच्चियों को स्कूटी देंगे, बच्चों को हम लोग 25,000 रुपये देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि बच्चे पूरे 4-5 महीने चक्कर लगा रहे हैं संस्थानों के, कोई पैसा उसका दिया नहीं जा रहा है। ये विषय भी हम लोगों ने यहाँ पर उठाया है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द इस विषय को ध्यान में लिया जाए, संज्ञान में लिया जाए, और नहीं लिया जाएगा तो हम लोग तेज आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, चक्का जाम भी हम लोग करेंगे इस विषय पर। मेरा नाम शुभम राव है, पीजी कॉलेज का ही सचिव AIDSO। नानाखेड़ी मंडी में फसल नीलामी स्थल पर किसानों ने आड़े ट्रैक्टर लगाकर घेरी जगह, अन्य किसान हो रहे परेशान, वायरल वीडियो आए सामने। गुना शहर की नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों के लिए आड़े ट्रैक्टर लगाकर अन्य किसानों द्वारा परेशान किया जा रहा है। 13 नवंबर की शाम 7 बजे के लगभग सोशल मीडिया पर राघोगढ़ तहसील के सकतपुर निवासी किसान मनमोहन धाकड़ द्वारा वीडियो वायरल किया गया है, जिसमें नानाखेड़ी मंडी गुना में पूर्व में खड़े ट्रैक्टरों के मालिकों एवं किसानों द्वारा नीलामी स्थल पर ट्रैक्टर आड़े लगाकर जगह रोक ली है। अन्य किसानों के आने एवं परिचितों के ट्रैक्टर लगवाने की बात कहकर जो किसान फसल लेकर पहुंच रहे हैं उनको ट्रैक्टर खड़े करने नहीं दिए जा रहे। सकतपुर निवासी किसान मनमोहन धाकड़ ने कहा कि यहां पर आड़े ट्रैक्टर लगाकर कुछ किसानों द्वारा ट्रैक्टर ट्राली नीलामी स्थल पर लगवाने के एवज में रुपए की मांग की जाती है, वहीं किसानों को किसान भाई ही परेशान मंडी में करते नजर आ रहे हैं, ऐसा किसान मनमोहन धाकड़ का कहना है। वहीं मंडी प्रशासन या जिला प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, किसानों के साथ लापरवाही की जा रही है। नमस्कार, मैं अभी यहाँ पर मंडी में आया था मेरे मक्का लेकर, तो यहाँ पर किसानों ने धांधली मचा रखी है, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ नहीं लगाने दे रहे लाइन में, और यहाँ पर सबने आड़े ट्रैक्टर कर रखे हैं किसानों ने। मैंने पूछा कि हमारे ट्रैक्टर लगा दो, तो ये बोले वो कि हमारे 2 ट्रैक्टर और आ रहे हैं, 3 ट्रैक्टर और आ रहे हैं। तो किसी ने बताया कि मेरे को यहाँ पर पैसे की डिमांड भी करते हैं, पैसे की डिमांड करने के बाद में ही यहाँ पर ट्रैक्टर लगाने देते हैं, और ये आड़े आड़े ट्रैक्टर रखे हुए हैं यहाँ पर सभी के। तो यहाँ पर किसान ही किसान को परेशान करने में लगा हुआ है। यहाँ का जो मंडी प्रशासन है वो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, मंडी प्रशासन सोया हुआ है गहरी नींद में, पता नहीं क्या इनका सिस्टम है क्या नहीं, क्यों यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है ट्रैक्टर लगाने की, लाइन में एक भी ट्रैक्टर नहीं है, सबने आड़े आड़े ट्रैक्टर कर रखे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं किसान आदमी हूँ, मैं मेरे ट्रैक्टर लेके आया हूँ, मैं मक्का भरी हुई ट्रैक्टर में, मैं सबसे लास्ट में इधर मंडी के साइड में खड़ा हुआ हूँ। अतः गुना प्रशासन से और कलेक्टर साहब से निवेदन है कि यहाँ पर मंडी में सुव्यवस्थित व्यवस्था की जाए, ट्रैक्टरों को लाइन में लगाया जाए ताकि किसान परेशान न हो, और यहाँ पर किसान सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है लाइन में लगाने के लिए, आड़े आड़े ट्रैक्टर कर रखे हैं।